अररिया के बौसी थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस कांड में शामिल अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसके पास से हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया है। अररिया एएसपी राम पुकार सिंह ने इस मामले का खुलासा किया है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को अपराधियों ने भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट से हथियार दिखाकर 1,90,000 रुपये लूट लिए थे। इस मामले में गिरफ्तार अपराधी रोहित उर्फ रेहान को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे अपराधी की तलाश की जा रही है। मौसी थाना अंतर्गत 18/10 को भारत फाइनेंस कर्मी जा रहे थे कलेक्शन करके, उसी क्रम में 2 अपराध कर्मी उनका मोबाइल और टैब और पैसा छीन लिया गया था मिर्जापुर जो सुनसान इलाके में। इसका टेक्निकल रूप से अनुसंधान किया गया तो 2 व्यक्ति की पहचान हुई, उसमें से 1 व्यक्ति को अवैध आर्म्स जिसका प्रयोग उनके द्वारा किया गया था और गाड़ी जिस गाड़ी से रुपया छीना गया था वो बरामद हुआ है। अन्य व्यक्ति जो पैसा लेकर गए उनकी भी शिनाख्त हो गई है, वो बाहर में है, उनकी छापामारी हेतु एक टीम भी भेजा गया है। उनकी गिरफ्तारी एवं जो लूटी गई राशि है दोनों की बरामदगी हेतु अलग से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया है और जल्द ही उसको 1-2 दिन के अंदर बाहर से गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाएगा। कितना रुपये का लूट हुआ था? 1,90,000 रुपया की लूट हुई थी।